मुझे याद नहीं कब मैं अपने देश की कोई मूवी देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ हूँ, या फिर मेरे ऐसे हालात हो गए हों कि मैं रोने पे मजबूर हो गया हूँ। ना ना ना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ केवल बॉलीवुड मूवीज की। देखो यार, मैं बॉलीवुड मूवीज का जिक्र भी क्यों कर रहा हूँ, वो मूवीज नहीं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा उरे मूवी के बारे में, जो एक मलयालम मूवी है। ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और मैंने इसे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा। ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश मलयालम तो आती है नहीं, मैंने इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि काश इस मूवी को हिंदी सबटाइटल में भी बनाया जाए, क्योंकि यार जो लोग इस जैसी खूबसूरत मूवी को देख नहीं पाते क्योंकि लैंग्वेज अलग है, वो इसको समझ नहीं पाते, बट एटलीस्ट अगर उनके साथ उनके पास वो सबटाइटल होंगे हिंदी में भी, तो बहुत एक मेजोरिटी में लोगों तक ये मूवी पहुंचेगी, ऐसी ऐसी अच्छी मूवीज पहुंचेंगी और वो इन मूवीज की अहमियत समझेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु अशोकन ने। अब इस मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें एक पल्लवी रविंद्र नाम का एक करेक्टर है, जो एक लड़की है, और इसके ऊपर एक एसिड अटैक हो जाता है। फिर एसिड अटैक होने के बाद कैसे ये अपनी लाइफ को नॉर्मल करती है, समाज से लड़ती है, कैसे अपने आप में वो कॉन्फिडेंस वापस लाती है, इस सब के बारे में इस मूवी में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। अब तुम्हारे दिमाग में एसिड अटैक सुन के एक बॉलीवुड मूवी का नाम आ रहा होगा, उस मूवी का नाम है छपाक। देखो मैं पहले ही वॉर्न कर देता हूं, इस घटिया मूवी को इस खूबसूरत मूवी के साथ, उरे मूवी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर करने की कोशिश मत करना। इस मूवी में जो पल्लवी रविंद्रन का जो कैरेक्टर है, वो बचपन से ही एक पायलट बनना चाहती है और उसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, और साथ ही साथ जब वो बड़ी होती है तो इसके एक रिलेशनशिप दिखाया गया एक गोविंद नाम के एक इंसान के साथ, और बहुत ज्यादा इन दोनों में जो एक रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश की, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। काफी सारा क्या होता है कि एक बॉयफ्रेंड ज्यादातर उसी के ऊपर फोकस कर देते हैं कि लड़की है, यहां पर फोकस कर देते हैं, ज्यादा लड़के जो स्पोर्टिंग कैरेक्टर है या फिर स्पोर्टिंग रोल होते हैं उनको इतना मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर वो अच्छे से फोकस में नहीं लाए जाते। बट इसमें काबिलियत तारीफ करनी पड़ेगी कि इतना अच्छे से हर एक कैरेक्टर को हमारे सामने रखा गया है। और जो गोविंद है वो बहुत ज्यादा पोसेसिव टाइप का इंसान है, पल्लवी के ऊपर बहुत ज्यादा वो कंट्रोल रखता है, और एक पल आता है कि पल्लवी से डरने लग जाती है, इसके बातें छुपाने लग जाती है, और इतना ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने के बाद, अंदर ही दबने के बाद, एक दिन ये डिसाइड करती है कि यार बस बहुत हो गया, और इससे ये ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन इस लड़के से वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती, वो मतलब एसिड लेके आता है और इसके मुंह पे डाल देता है। देखो यार, इस मूवी को तुम एक मोटिवेशनल मूवी के तौर पर ले सकते हो, क्योंकि यार एक हमारे जो लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं या हमारी लाइफ में जो परिस्थितियां आती हैं, हमें उससे लड़ने के लिए ये मूवी हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। देखो हमारे सामने जो भी समस्याएं आ जाए, अगर हमारे अंदर हमारा विश्वास है कि हम कभी भी नहीं हारेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम जो भी हमारी समस्या आई है उसे भागना अगर बंद कर देंगे, उसे हिम्मत करके उसके सामने आएंगे, तो यार वो हर एक समस्या जो हमारी लाइफ में आई है वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। पर यही एक खूबसूरत मैसेज ये मूवी देती है। जरा सोच कर देखो, एक लड़की 14 साल की उम्र से एक सपना देखती है पायलट बनने का, जब वो बड़ी होती है तो उस मतलब वो पायलट बन भी जाती है, और एक एग्जाम देना होता है, लेकिन एग्जाम से पहले उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, जिससे उसकी एक आंख जो है वो उसमें कुछ खराबी आ जाती है, वो साइड से नहीं देख पाती, सिर्फ सामने से देख पाती है, और उसके बाद जो है वो उसका सपना जो टूट जाता है, मतलब 14 साल से वो कंटिन्यूटी में बस यही सोच रही थी कि वो पायलट बनेगी, कॉकपिट में जाएगी और वहां पर जाके हवाई जहाज को उड़ाएगी, और जब उसके ऊपर एसिड अटैक होता है और जो लड़का होता है उसको कोर्ट जो है वो बेल दे देता है और वो फ्री घूम रहा है। सोच कर देखो एक इंसान के ऊपर, जो इस पल्लवी जो करेक्टर है इसके ऊपर कितना ज्यादा मतलब मानसिक प्रेशर रहा होगा, इसको कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि अपने हालात से कैसे लड़ी होगी, कि जिसने इसके ऊपर एसिड अटैक किया वो फ्री घूम रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रही, इसकी पूरी लाइफ खराब हो गई, इसका चेहरा खराब हो गया, लेकिन ये जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हार नहीं मानती और अपने जो हालात से ये लड़ती है, समाज के सामने आती है यार। और जब ये वाले जो सीन दिखाए गए, सच में यार गूज़बम्प आ गए थे, और अभी भी जैसे मतलब जो हाथों के जो बाल है वो मतलब खड़े हो गए। और बहुत सारी चीजें जो है वो पल्लवी की लाइफ में अप एंड डाउन चलती रहती हैं। देखो अब मैं हर चीज तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने से रहा, ये इस चीज के लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। और बट मैं अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो यार परफॉर्मेंस में हर एक कलाकार ने अपना 100% से भी ज्यादा इसके अंदर दिया है। और जो इसमें नेगेटिव रोल किया आसिफ अली जी ने, जिन्होंने गोविंद नाम का एक करेक्टर प्ले किया, वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया, जो उसका सीरियस
सीरियसनेस था, वो ऐसे दिखाना, हावी होना, उससे थोड़ा सा डर भी लगता है यार, ये इंसान कुछ भी कर सकता है, कमाल का था यार वो। और साथ ही साथ एक सीन जो पल्लवी जो है वो अपने जो उसका जो बॉस होता है, जो उसका साथ ही साथ इसका दोस्त भी होता है विशाल, उसके बर्थडे वाले दिन केक काटने वहां पर जाती है, तो ये दोनों ही होते हैं विशाल और पल्लवी। जब विशाल इसको केक काटने से पहले कहता है कि मैं केक काटूंगा तो मैं तुमसे एक बात करना चाहूंगा, तो पल्लवी इस चीज को पहले ही समझ जाती है कि विशाल क्या कहने वाला है। और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतना अच्छा उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जब पल्लवी उसके जो मतलब सवाल पूछने से पहले वो उसको जो कुछ भी कहने वाला था विशाल, उससे पहले ही वो अपनी बात रखती है और इतनी खूबसूरती से उसके सामने अपनी बात रखती है यार, देख कर ही बहुत मतलब हम बस अपनी आंखें खोल कर देखते ही रह जाते हैं कि यार क्या बात है यार, कितना अच्छे से जवाब दिया, कोई हर्ट नहीं किया किसी चीज को, और एक फ्लो में जो आंसर देना होता है ना, जो उनके बीच की जो कन्वर्सेशन थी, देखो यार ये वाली जो चीज है, ये वाली जो मूवी है, इसके कुछ एक सीन ऐसे हैं, शायद मैं वो फीलिंग आप लोगों के साथ मतलब अच्छे से शेयर ना कर पाऊं, क्योंकि कुछ ऐसे सीन होते हैं उनको मैं बता कर नहीं, जब आप ये मूवी खुद देखोगे और आप वो खुद फील करोगे तब आपको पता चलेगा मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं। और ऐसे बहुत सारे सीन हैं इस मूवी के अंदर, जब आप उसे देखोगे तो डेफिनेटली आपके आंखों से आंसू नहीं रुकने वाले। कुछ ऐसा ही यार मेरा था, कुछ एक ऐसे सीन थे यार, वो हग जो बुजुर्ग इंसान जो है पल्लवी को हग करता है यार, कमाल का था। और जो पल्लवी ने जो कॉन्फिडेंस वहां पर दिखाया वो बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करूंगा कि यार ये प्लीज जाकर ये मूवी देखो, कमाल का डायरेक्शन है, कमाल की स्टोरी है, कमाल की परफॉर्मेंस है, एवरीथिंग इज ऑसम। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 स्टार। देखो यार अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। देखो वैसे भी हम एनिमे मूवीज देखते हैं, उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर वो जैपनीज लैंग्वेज में होती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं विद सबटाइटल के साथ, जो इंग्लिश सबटाइटल होते हैं हम उसको समझ भी जाते हैं और से उसको एक्सप्लेन करते हैं और बहुत हमें उसे एंजॉय भी करते हैं, तो क्यों ना हम हमारे ही देश में जो अच्छी अच्छी मूवीज बनी हुई हैं विद इंग्लिश सबटाइटल, एटलीस्ट इंग्लिश सबटाइटल तो है, उनको देखकर हम उनको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। वाकई में वो यार डिजर्व करते हैं कि लोगों को उनके बारे में पता चले, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी मूवीज जो हैं वो साउथ इंडिया में बनती हैं। मतलब अब मैं कोई हैरान नहीं हूँ इस बात पे कि कल को बॉलीवुड की नज़रों में शायद आ भी गई और वो शायद बना भी रहे हों, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, बेड़ा गर्क करने के लिए बॉलीवुड तैयार रहते हैं। सच में दिल से मतलब बुरा बहुत लगता है कि यार क्या ये बकवास पे बकवास मूवी बना के रख देंगे इतनी अच्छी अच्छी मूवीज का। यार छोड़ो यार, अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो यार, बहुत कमाल की मूवी है, जाकर देखो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।